हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर आर फाइन तो स्टूडेंट्स हमने क्लेमेडोमोनास स्टार्ट किया हुआ था तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन किस तरह होती है क्लेमेडोमोनास में फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेक्चुअल रिपोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जो स्पोर फॉर्मेशन अब जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी वो जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगी जो क्या होंगे जो क्या होते हैं मोटाइल स्पोर इन ग्रोइंग सीजन द पेरेंट सेल कम टू रेस्ट अब जब ग्रॉइंग सीजन आएगा तो जो पेरेंट सेल है वो रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा द फ्लैजेला रीअब्जॉर्ब और फ्लैजेला जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपेयर हो जाएगा एंड प्रोटोप्लास्ट विदड्रॉ फ्रॉम द सेलवाल और जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेलवाल से विदड्रॉ हो जाएगा द साइट प्लाज्म क्लोरोप्लास्ट एंड द न्यूक्स डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन इंटू टू डॉटर प्रोटोप्लास्ट अब जो साइटोप्लाज्म है और क्लोरोप्लास्ट है और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाएगा एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में है और इसके अलावा दो डोटर प्रोटोप्लास्ट में देन द डिवीजन कम्स टू ट्रांसफोर्स विद रिस्पेक्ट टू द सेल एज होल और जो डिवीजन होगी वो ट्रांसफर्स होगी इन दिस वे यूजली फोर डोटर प्रोटोप्लास्ट में बी फॉर्म्ड और इसके रिजल्ट में फोर डॉटर प्रोटोप्लास्ट फॉर्म्ड होंगे द क्लोरोप्लास्ट इज हेल्ड अलोंग विद पायरोनाइड एट ईच सक्सेसिव डिवीजन और जो क्लोरोप्लास्ट है वो हेल्ड हो जाएगा पायरोनाइड्स के साथ और हर सक्सेसिव डिवीजन में वन डॉटर सेल रिसीव द आई स्पोर्ट ऑफ द पेरेंट हर डोटर सेल रिसीव करेगा आई स्पोट पेरेंट के तरह का द आउटर फॉर्म इट अ फ्रेश ऑरिजिनलॉल लाइका कॉलोनी अब यही जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट है ये ऑरिजिनल वॉल के अंदर एक कॉलोनी की तरह हमें दिखाई देंगे द इच डॉटर प्रोटोप्लास्ट एक्वाइरस सेलवाल हर डॉटर प्रोटोपनास जो है उसके पास सेल वॉल होगी डिवेलप फ्लैजिला ऑफ इट्स ओन अपने ही हर एक के अपने फ्लैजिला भी डिवेलप हो जाएंगे द वैक्यूल री अपेयर जो वैक्यूल है वो दोबारा से अपेयर हो जाएगा देर एग्जाम्पल दे विद द पेरेंट बट स्मॉल इन साइज़ ये बिल्कुल पेरेंट की तरह होंगे लेकिन इनका स्मॉल साइज़ होगा द पेरेंट सेल वॉल रेपचर्स एंड द डॉटर सेल आर रिलीज अब पेरेंट सेल वाल रक्चर हो जाएगी और डोटर सेल रिलीज़ हो जाएंगे एंड टर्म्ड एज जोअ स्पोर्ट जिनको क्या कहा जाएगा जुअस्पोर्स हैं ये यानी मोटाइल स्पोर्ट्स हैं द डोटर सेल सोन ग्रो टू द फुल साइज एंड रिपीट द प्रोसेस अब जैसे ही डोटर सेल बड़े हो जाएंगे जल्दी बड़े हो जाएंगे जब अपना फुल साइज़ अटेन कर लेंगे तो ये सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट हो जाएगा पहले आप डाइग्राम में आ जाएँ फिर फोर में हम देखते हैं स्टेज इन फॉर्मेशन में ए पे देखें ये एक पेरेंट सेल है अब बी में देखें बी में यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो रही है सी में देखें सी में भी ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू है डी में देखें सेपरेट हो गया सेप्टर बन गया बीच में सेपरेशन हो गई ई e में अब मजीद इसके अंदर डिवीजन हो रही है एफ़ में इसने कॉलोनी बना दी मीन्स के सेल्स ने अपने आप को मीन्स के ये अब बन चुके हैं कंप्लीट ग्रो हो चुके हैं अब सबके पास अपना सब कुछ है इनके पास इनके पास प्लेजेला भी है आइसपोर्ट भी है अपना न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट सब कुछ है अब जैसे ही जो पेरेंट है पेरेंट सेल वो रक्चर करेगी सेल वॉल तो ये रिलीज़ हो जाएंगे और ये स्मॉल इन साइज़ होंगे जैसे ही ये साइज़ इनका बड़ा होगा ये दोबारा से इनके अंदर यही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा ये है इनकी सेक्शल प्रोडक्शन अंडर अन कंडीशन द मोटाइल सेल कम टू रेस्ट एंड लूसिस फ्लैजेला जब कंडीशन जो हैं अनसुईटेबल होंगी तो क्या हो जाएगा जो मोटाइल सेल है वो रेस्ट में चला जाएगा और फ्लैजेला उसके लूज़ हो जाएंगे द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड इन फोर टू एट सेल्स एंड फेल टू डिप फ्लैजेला अब जो प्रोटोप्लास्ट है वो फोर टू एट सेल्स में डिवाइड हो जाएगा लेकिन फ्लैजेला डिवेलप नहीं कर सकेगा एंड फेल टू एस्केप और जा भी नहीं सकेगा देरी मेन टूगेदर इन द पेरेंट सेल वॉल विच बिकम म्यूसिलजीनियस एंड स्वेल अप अब ये क्या करेंगे ये इकट्ठे हो जाएंगे पेरेंट सेल वॉल में और क्या बना देंगे एक म्यूसीजीनियस और स्वेल अप यानी भूल जाएंगे ईस्ट ईजॉट सेल कंटिन्यूअली डिवाइडेड एंड अ कॉलोनी ऑफ कंसिडरेबल साइज कंटेन सेल्स एम्बेडेड इन कॉमन म्यूसिलेज अब क्या होगा कि जो डॉटर सेल हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे और जो कॉलोनी है वो एक कंसिडरेबल साइज़ अपना कंटेन कर लेगी जिसमें बहुत से जो सेल्स हैं वो इम्बेडिड होंगे यानी ढिससे हुए होंगे एक ही मिसलेज में मिसलेज क्या होता है एक स्टिकी मे टाइप मटेरियल होता है दिस असेंबली ऑफ द सेल इज़ नोन एज पालमेला स्टेज और इस असेंबली को क्या कहेंगे पालमेला स्टेज कहेंगे मेन द कंडीशन बिकम सूटेबल द सेल बिकम मोटाइल एंड फ्रॉम द द्यूसीज म्यूसिलेज एंड ग्रो टू देरेंट साइज़ अब जो कंडीशन जब फेवरेबल होगी तो सेल जो है वो मोटाइल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा और इस्केप कर जाएगा कहाँ से म्यूसीज से और ग्रो कर जाएगा पेरेंट साइज़ में तो स्टूडेंट्स ये तो थी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्लेमेडोमोनास में नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को और डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कोई भी बात समझना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं थैंक यू